ये संगीत में ना शुरू से आखिर तक वो, अगर किसी को बहुत अच्छा गुरु मिला है तो गुरु ही गुरु होता है। मतलब ये सारी बातचीत जो है, आप लोग शायद बिलीव करें ना करें, जो मेरे पिताजी मेरे गुरुजी दोनों मुझे सब बदला के गए कि बेटा थोड़ा सा जब नाम होता है, थोड़ा लोग पहचान होता है तो ये होता है, ये होता है, ऐसे बात करना चाह, मतलब बात ऐसे करना, उनके सामने ऐसा करना, मतलब ये सारे जो है शुरू होता है, इंस्पिरेशन जो है और तालीम जो है सभी गुरु से शुरू होता है। और मैंने बचपन से अपने पिताजी को, अपने गुरुजी को मैंने इंटरव्यू देते हुए, प्रोग्राम देते हुए, खाते हुए, पीते हुए, सोते बैठते, हमने इतना देखा, इतना उन लोगों को मैंने नजदीक से मैंने देखा, और वो भी हमें इतना प्यार करते थे। तो इसलिए जो है वो होता गया, तालीम और दोनों जो है देखिए होता गया। आप लोग सब जानते हैं देखिए कि बाहर से जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग सुनते हैं, वो उसको शिक्षा कहते हैं कि शिक्षा देते हैं, हम गुरु से शिक्षा लेते हैं। अंदर जाने के बाद उसको सोच के और उसके ऊपर वर्कआउट करते करते धीरे धीरे अंदर से ज्ञान प्राप्त होता है। तो अब मैं जो बोल रहा हूं, ये मैं ज्ञान के आधार पर बोल रहा हूं, जो ज्ञान गुरु जी लोगों ने दिया था शिक्षा पे तौर, वही शिक्षा जो अभी ज्ञान बन के उभर आया है। अनंत भक्ति है, क्योंकि जितना आप, सबसे मजे की बात यह है संगीत में, जितना आप जानते जाएंगे, जितना आप आगे जाएंगे, उतना आप पीछे भी जाएंगे, समझे? मतलब जितना आगे हम जा रहे हैं उतना लग रहा है कि कुछ नहीं मालूम, ये तो और करना है, ये तो हमने तो इसको करा ही नहीं, इसको करते तो इसके साथ जो वो एक कनेक्शन होता है, मतलब सब्जेक्ट वो है। जैसे तिहाई एक सब्जेक्ट, तो मैंने समझ लीजिए दो अच्छा तिहाई बजाया दिमाग में, लेकिन उसके पीछे जो उसका कारण है तिहाई, मतलब उसका कैलकुलेशन, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जो उसमें बाणी है, जो उसका निकास है, ये सब जो पीछे की बात, जो अंदर की बात है, इसको सोचते हुए जैसे बजाने के बाद लगा कि अरे यार ऐसे तो ये तिहाई कभी हमने देखा ही नहीं, अब तो कल से इसको देखना है इस तरह, तो बड़ा अच्छा आया। तो ये जो है संगीत पे एक चीज है कि कभी आप बोल नहीं सकते कि यहाँ यहाँ मेरा अंत हो, मतलब शिक्षा जो है वो जाके यहीं पर खत्म हुआ, नहीं, शिक्षा हर जगह पे, विद्या में भी है, क्योंकि संगीत देखो एक विद्या है, तो एक विद्या जो है वो चलता है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला, विद्या कभी खत्म नहीं होता है। एक सर्टिफिकेट जरूर मिल जाता है, स्कूल कॉलेज में ग्रेजुएट होने से एक सर्टिफिकेट जरूर मिल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विद्या खत्म हो गया उसका। अब वो नहीं करता है वो अलग बात, लेकिन विद्या चालू है, चाहे कोई मैथमेटिक्स हो, फिलोसफी हो, हिस्ट्री हो, वो तो अंत नहीं है। कितनी किताबें लिखा गया है, कितना कुछ अभी पढ़ा हुआ है, अभी कितना रिसर्च हिस्ट्री में अभी चल भी रहा है, इसका कोई खोज मिला नहीं है। तो ये विद्या जो है ये तो रुकने वाला नहीं है, और संगीत का विद्या जो है, क्योंकि भगवान से बना हुआ नाद ब्रह्म जो है, भगवान का बनाया हुआ शब्द है, और दुनिया में जितने भी शब्द आप देख रहे हैं, इसी शब्दों का निचोड़ संगीत। और सबसे सबसे अच्छा संगीत क्या, सब निचोड़ के बाद समझ में ये आया है दुनियों को कि सबसे अच्छा संगीत जो है वो है साइलेंट,
स्तब्धता, जब संगीत में मुखर होते होते जब किसी का जो जाके अंतिम जगह में पहुंचता है अर्थात वो सिद्धिलाभ करता है तो वो शांत हो जाता है, वो चुप हो जाता है। और यही म्यूजिक है, क्योंकि जब वो स्तब्ध हो जाता है उसके अंदर में असली म्यूजिक चालू होने लगता है, तब जाके वो ट्रांस में चला गया म्यूजिक, जहां की म्यूजिक चल रहा है। असल म्यूजिक तो हवा में चलती है, ये हम लोग जो इमेजिनेशन हम लोगों का होता है, हम लोगों का जो भी इम्प्रोवाइजेशन होता है कहां से आता है? हवा से आती है, हर वक्त ये चल रहा है। हम लोगों को गुरुओं ने सिखला दिया है कि हवा की बातचीत जो है उसको कैसे पकड़ना है, उसको कैसे सोचना है। अनुभवता इतना बढ़ा लो कि हवा से बातचीत कर सको, हवा की बातचीत समझ सको, तब जाके मियां मल्हार का आराम मिलेगा। जो जिसने मियां मल्हार तैयार किया, मियां तानसेन, तानसेन जी अंदर में बरसात का ऋतु का पानी पानी हो गया, बरसात का पूरा ऋतु जो है उनके शरीर में बहने लगा, तब जाके वो राग उनके दिल से निकला है। ये जो किताबों में लिखा हुआ होता है कि तानसेन जी गाते थे तो आग लगता था, पानी बरसता था, वो अनुभवता है, ये सचमुच नहीं है कि पानी बरसने लगा, ऐसा नहीं है, ये अनुभवता है। और जो सुनने वाले उनके भी मन में वो अनुभवता इतना पावरफुल देते थे, वो ट्रांस करके उनको देते थे कि सब सुनने वाले भी उनको लगता था कि मैं बरसात में ही बैठा हूं, पानी हो रहा है, बारिश हो रहा है, धुआंधार। तो संगीत में अनुभवता सबसे बड़ा चीज, अगर आप अनुभव नहीं कर सकते तो आप कलाकार भी नहीं बन सकते, किसी भी तरह आर्टिस्ट नहीं बन सकते। ये जो कैलेंडर आपने बनाया है हर साल, ये तो आपको पहले अनुभवता से आपको चिंता आया, फिर ज्ञान से आपने इसको सजाना शुरू किया दिमाग कि कैसे कैसे इसको किया जाए, कैसे करा जाए, इसको कैसे ढांचे में डाला जाए, ये सारा प्लानिंग जो है अनुभवता, ज्ञान और शिक्षा तीनों मिलके तब जाके एक कैलेंडर आपने बनाया है। ये कोई आम ऐसा कैलेंडर नहीं है जो आपने बनाया है कि किसी लड़की का या किसी एनिमल का हमने फोटो दे दिया है और डेट लगा दिया, फिर हो गया है। इस साल का जो कैलेंडर आपने बनाया है जो रागों के ऊपर, तो आपको रागों से प्यार है, आपने राग लेके सोचा है, अपने कैलेंडर सब्जेक्ट लेके सोचा है, सब कुछ मिला जुला के, सब मिल के जगह एक जगह जाके खड़ा हुआ, तब जाके ये कैलेंडर निकला। और इसके पीछे वही आपका ज्ञान, आपका शिक्षा, आपका अनुभवता, ये आपको इस जगह पर लाए हैं और इस काम करने के लिए आपको सारा शक्ति, सारा बुद्धि, सारा सब कुछ दिया है।